अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर स्टोरेज डिवाइसेस के रिलेटेड है। आपने यूएसबी का नाम सुना होगा, आपने मेमोरी कार्ड का नाम सुना होगा, सीडी डीवीडी का नाम सुना होगा। तो ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें आप डेटा जो है सॉफ्ट कॉपी वो स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनमें से मैंने कुछ के नाम आपको बताए हैं। तो इसके अलावा जो मेन इसका स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क या एसएसडी, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि एसएसडी क्या चीज़ है, हार्ड डिस्क क्या है, क्योंकि हार्ड डिस्क से सारे बच्चे वाकिफ आ रहे हैं, तो इसलिए हार्ड डिस्क का नाम लिया है, एसएसडी भी है। तो ये जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं इनमें डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा। प्रोग्राम्स से मुराद आपका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, ऐप हो सकती है, ठीक है। और उस ऐप के जरिए से जो डेटा आप गेन करते हैं या प्रोसेस करते हैं वो डेटा, प्रोसेस्ड डेटा आप जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। और ये वो डेटा होता है जो कंप्यूटर उस वक्त यूज नहीं कर रहा था, दैट करेंटली जो है मौजूदा वक्त में यूज्ड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर यूज नहीं कर रहा था माजरत के साथ। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस से जब भी आपके जेन में आता है तो आपने ये रखना है कि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेज है। प्राइमरी डिवाइसेस या मेमोरी जो होती है उससे मुराद रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसमें डेटा जो स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। तो उसका जब लेक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर जब ये दोनों लेक्चर खत्म होंगे तो फिर एक लेक्चर में रखूंगा इन दोनों के दरमियान जो कंपेरिजन है। अभी हम सिर्फ स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स डेटा दैट आर नॉट करेंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क के अंदर आपकी अगर कोई पिक्चर पड़ी है, आप बेशक गेम खेल रहे हैं लेकिन वो पिक्चर तो यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर आप उस पिक्चर के ऊपर हार्ड डिस्क के अंदर किसी फोल्डर के अंदर पिक्चर या वीडियो पड़ी है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो रन होती है। जिस टाइम वो रन हो रही होती है तो वो करंटली यूज्ड में होती है। तो वो जो आपके जो हार्ड डिस्क में जो डेटा पड़ा हुआ था वो किस में आ जाता है, रैम के अंदर आ जाता है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप मेमोरी भी बोलते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर वो डेटा इस्तेमाल होता है जो करंटली कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, इसलिए इस स्टोरेज डिवाइसेस को परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। दे हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इनकी जो कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें तो ये तकरीबन 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट, अब तो टेराबाइट्स में गीगाबाइट से गीगाबाइट से काम निकल चुका है, वो पुरानी हो गई है, तो टेराबाइट्स में डेटा आ रहा है। देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज मैस स्टोरेज डिवाइसेस। पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आ जाए कि हार्ड डिस्क को या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को मैस स्टोरेज डिवाइसेस क्यों कहते हैं, तो आपका जवाब हो कि चूंकि इसमें इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है इसलिए इनको मैस स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। इन्हीं मैस स्टोरेज डिवाइसेस को सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको क्यों कहा जाता है वो उसकी रीजन में बता देता हूं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। और एक वर्ड बूटिंग का यूज होगा, आप चूंकि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स आपको इन कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको समझाता चाहूँ, ये हार्ड डिस्क को मेंशन करता है, ये रैम है और ये सीपीयू है,
तो जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है, जब ये वर्किंग हालत में होता है, तो फिर क्या चीज होती है कि सीपीयू डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ और सिर्फ इस रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, यानी रैम से बात कर रहा होता है। उसकी एक वजह ये है कि सीपीयू की जितनी स्पीड होती है और इसकी जितनी स्पीड है वो तकरीबन मिलती जुलती है, ठीक है। तो अगर रैम की स्पीड कम होगी, सीपीयू की स्पीड ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, आपके सिस्टम सुस्त रवि का शिकार होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मोटर नहीं लगी होती, इसकी स्पीड इसलिए ज्यादा होती है कि इसके अंदर, जैसे हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, जो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो घूमती है, उसकी आवाज भी आती है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर आपकी कोई वीडियो पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो लोड होके किस में आ जाती है, रैम में आ जाती है यहाँ पे। अब सीपीयू जो है वो डायरेक्टली, चूंकि हार्ड डिस्क से बात नहीं कर रहा था, वो रैम से बात करता है, तो रैम क्या करती है, उसका डेटा उठा के रैम में ले आता है, और वो वीडियो आपकी सीपीयू की मदद से, ये प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन होती है, और ये चलना शुरू होता है। रैम जो है वो आपके ग्राफिक कार्ड से भी बात कर रही होती है, वीजीए से भी, और ये डिस्प्ले दे रही होती है इसको मॉनिटर के ऊपर, और ये साउंड भी है उसी टाइम पे, साउंड भी जो है वो स्पीकर्स को दे रही है, तो वीडियो में ये दो चीजें आ रही होती है। तो रैम जो है सबसे बात कर रहे थे एक ही वक्त में। अब चूंकि रैम जो है डायरेक्टली कंप्यूटर से, सीपीयू से बात कर रही होती है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, पहली मेमोरी। और चूंकि बाकी जितनी स्टोरेज डिवाइसेज हैं या बाकी डिवाइसेज हैं वो सेकंड नंबर पे बात करते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरीज बोलते हैं, क्योंकि ये मेमोरी है इसलिए सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है कि हार्ड डिस्क कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, सीपीयू से वो डायरेक्टली प्रोसेस या एक्सेस नहीं होती, इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी स्टोरेज। तो इसकी जितनी भी फाइलें हैं वो पहले किस में होती हैं, रैम के अंदर होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव, अब इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क पुरानी हो चुकी है, अब ये नहीं आती, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, मिसाल के तौर पर जो ऑप्टिकल लेंसेज के ऊपर काम कर रही होती हैं, वो सीडी है, सीडी डीवीडी है, ठीक है, सीडीज एंड सीडी रोम्स हैं, एंड मैग्नेटिक टेप्स, वो जो टेप्स के ऊपर जो है गाने वगैरह भी होते थे, मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, विच वर दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि सीपीयू इनसे डायरेक्टली बात नहीं करता। अभी हम रिवाइज करते हैं कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहा जाता है। तो ये पता चल गया कि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो चूंकि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, वो डायरेक्टली रैम से बात नहीं करता, वो हार्ड डिस्क से बात कर नहीं करता, ठीक है, रैम से बात करता है, तो इसलिए जिससे वो डायरेक्टली बात करता है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कराती हैं, और जो दूसरी होती है वो सेकेंडरी हार्ड स्टोरेज डिवाइस है जिससे रैम बाद में बात करे। यूं समझ लो कि सीपीयू बॉस है और रैम उसका मैनेजर है, वो मैनेजर डायरेक्ट बॉस से बात कर सकता है, लेकिन बाकी स्टाफ जो है वो बात नहीं कर सकता बॉस के साथ, तो रैम प्राइमरी हो जाएगी, ठीक है, मैनेजर प्राइमरी हो जाएगा और बाकी स्टाफ सेकेंडरी स्टाफ होगा। तो बेटा पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, कि वाई हार्ड डिस्क इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। और दूसरा वर्ड जो मैंने यहाँ पे यूज किया, बूटिंग प्रोसेस होता है, कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो एक पोस्ट का सिलसिला चलता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद, फिर क्या होता है, जब कंप्यूटर बिल्कुल रेडी हालत में होता है तो रैम क्या करती है कि ये इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है उसको लोड करती है रैम में, सीपीयू के आर्डर से वो लोड करती है। तो
अगर कोई भी फाइल लोड होती है किसमें, रैम में, तो इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काम आएगा बूटिंग प्रोसेस। तो आपको पता चल चुका होगा कि हार्ड डिस्क को सेकेंडरी ड्राइव क्यों कहा जाता है। अब बैक स्लाइड्स पे जाते हैं हम। तो हार्ड डिस्क इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस। आपको पता है कि तमाम कंप्यूटर्स के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है, और अब तो एसएसडीज आ गई हैं, वो भी हार्ड डिस्क समझ लें स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सिर्फ उसका डेटा स्टोर करने का जो डिफरेंस है, जो तरीका है, जो अप्रोच है, वो डिफरेंस है। इसकी वजह से जो एसएसडी है थोड़ी सी कॉस्टली भी है, लेकिन वो स्पीड ही ज्यादा है, लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है उनकी। लेस स्टोरेज कैपेसिटी से मुराद ये है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसकी लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसकी जो एसएसडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। उनकी जो रेट है डेटा रिट्रीवल की एसएसडी की, वो ज्यादा होती है, जबकि हार्ड डिस्क की कम होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क में मोटर यूज हो रही होती है, लेंसेज यूज हो रहे होते हैं, सारा कुछ। तो ये जो एस एस डी वो एक चिप की तरह काम करती है, जैसे एक रैम काम कर रही होती है, लेकिन इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है एस एस डी के अंदर। उस मैंने आगे टॉपिक में रखा है डिफरेंस बिटवीन एस एस डी एंड हार्ड डिस्क। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्टेबल कौन सी होती है, मैंने पहले भी वर्ड बताया पोर्टेबल, जिसको हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। वो डिवाइसेस, वो चीजें जिनको हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, वो पोर्टेबल कहलाती है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज आर सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड्स एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। ये सारी की सारी क्या है, पोर्टेबल डिवाइसेज है। इनमें भी डेटा स्टोर हो सकता है, हार्ड डिस्क में भी डेटा स्टोर होता है, इनमें भी। ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज कहलाती है, क्योंकि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं करता, बल्कि जो रैम है वो इनके साथ कम्युनिकेट करती है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी। जो पोर्टेबल होती है इनमें लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यूएसबी की फर्ज करें अगर 128 GB है तो हार्ड डिस्क जो है वो टेराबाइट्स में है, ठीक है। डीवीडी सीडी अगर 700 MB तक है तो डीवीडी जो है हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट्स में है। डीवीडी अगर 4 GB से 8 GB तक की या 16 GB तक की है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो टेराबाइट्स में नहीं मिलती। तो हार्ड डिस्क की या एसएसडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जबकि पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस की कम होती है। अभी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई है, ठीक है, तो उनकी भी ज्यादा होती है, वो भी पोर्टेबल होती है। तो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज जैसा कि सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव्स जो हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। और ये सस्ती भी होती हैं, फ्लैश ड्राइव सस्ती है, 1600 1500 की, 800 की मिल जाती है। सीडी जो है 40 50 रुपए की मिल जाती है, डीवीडी 50 100 रुपए की मिल जाती है। मेमोरी कार्ड्स जो है विद रिस्पेक्ट टू देयर डेटा के 16 GB का है, उसका साइज जो है 64 GB का है, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस होती है, लेकिन हार्ड डिस्क से उसकी कीमत कम होती है। इन चीजों को हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए ये जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं दे आर चीप एंड इजी टू कैरी, एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ले जा सकते हैं। अब हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक मैग्नेटिकली स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने YouTube पे सर्च करना है वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क, हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। ये वैसे है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एक दो वीडियो देख लेंगे उससे आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के ऊपर जो डेटा स्टोर होता है या रिट्रीव होता है वो मैग्नेटिकली होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है हंड्रेड ऑफ गीगाबाइट होती है, यानी टेराबाइट्स में जा सकती है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर केसिंग में फिक्स्ड होती है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क इज आल्सो अवेलेबल। अब मैंने बताया कि पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी हैं, वो भी हमें अवेलेबल है, ठीक
ठीक है, जो यूएसबी पोर्ट के जरिए से कनेक्टेड की जा सकती है। ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो ये इसमें एक मोटर लगी होती है और जिसके उस लेंस जो होता है उसके साथ मूव करता है, और ये प्लेट इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये लेंस होंगे उसके, ठीक, और वो उसके हिसाब से मूवमेंट करती है। तो लेंस जो है वो टू एंड फ्रो ऐसे मूव करता है, आगे और पीछे, ठीक है। इसका ये इस तरफ आता है या बैक साइड पे ऐसे जाता है, और ये मोटर ऐसे घूमती है। ये जो मोटर के घूमने की रफ्तार होती है वो 1 मिनट में 7200 टाइम्स जो है ना मूव कर सकती है। तो चूंकि ये ऐसे डेटा रिट्रीव हो रहा होता है इसलिए इसकी स्पीड कम होती है, जबकि रैम की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, रैम में डेटा कैसे स्टोर होता है, रैम में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है कि नहीं होता, रैम का साइज कितना होता है डेटा स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क का कितना होता है, हार्ड डिस्क कितनी पावर कंजम्पशन करती है, रैम कितने करती है, ठीक है। तो ये चीजें जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन है वो बुक में से ही आता है, लेकिन बास का तो ऐसे होता है कि चूंकि उसके रिलेटेड होता है तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारा पेपर जो है वो बुक में से नहीं बनता, ठीक है। आउट ऑफ द कोर्स बच्चों की क्रिएटिविटी चेक करने के लिए, बच्चों की एक्टिविटी चेक करने के लिए, टीचर्स का स्टैंडर्ड्स के टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो चेक करने के लिए भी वो पेपर ऐसा सेट किया जाता है जिससे बोर्ड जो है वो असेस करता है कि पाकिस्तान में पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या हो चुका है, ठीक है। तो ये किसी किस्म का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं इसलिए हर पार्ट के मतलब जब समझा रहा होता हूँ तो क्वेश्चंस भी उस हिसाब से बता रहा होता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस का नेक्स्ट पढ़ते हैं सीडी का। सीडी क्या चीज है, ये इससे मुराद होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये डिस्क के साथ ईटी भी आता है, ईटी डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, लेकिन उसको डिस्क को डिस्क भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इट इज पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज से मुराद के एक लेंस होता है लेजर का या दूसरा, तो वो क्या करता है इसके ऊपर डेटा राइट भी कर सकता है, डेटा रीड भी करता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 700 मेगाबाइट होती है, यानी 1 GB से भी कम होती है, 3/4 ऑफ दी 1 GB। अ सीडी इज 1.2 मिलीमीटर थिक। इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी कितनी मोटी होती है वो कितनी है, 1.2 मिलीमीटर। और इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या चीज है, मसलन अगर ये सीडी है तो यहां से लेके इसके सेंटर में से गुजरते तो यहां तक का जो फासला आता है वो डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो इसका विच विद अ डायमीटर ऑफ 120 मिलीमीटर, तो ये डायमीटर कितना होता है 120, और ये मोटी मोटाई होती है इसकी कितनी, जैसे आप यूं समझ लें कि जैसे ब्रेड ले लें तो ब्रेड की मोटाई कितनी है और उसकी जो डाया है वो कितना है। सीडी ड्राइव इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम और राइट डेटा टू सीडी। सीडी ड्राइव इस्तेमाल होती है, ठीक है, डीवीडी ड्राइव इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि जो डीवीडी ड्राइव है उसके अंदर जो सीडी डालते हैं तो सीडी को रीड कर सकता है, लेकिन अगर सीडी रोम के अंदर डीवीडी डाल दें तो वो उसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, जबकि डीवीडी रोम को पता होता है कि सीडी रोम का फॉर्मेट क्या है, रीड करने का और राइट करने का। अब डीवीडी के बारे में पढ़ते हैं। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट हैज सेम थिकनेस, इसकी भी थिकनेस 1.2 मिलीमीटर है एंड डायमीटर भी उसका सेम है 120 मिलीमीटर। सीडी एस सी डी बट हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी 700 मेगाबाइट है, जबकि ये इसकी 4 GB से लेके 16 GB तक इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। डीवीडी राइटर इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर टू रीड डेटा फ्रॉम अ राइट डेटा टू अ डीवीडी। ये याद रखिएगा, डीवीडी राइटर जो है वो डीवीडी के लिए होता है, ठीक है, जबकि सीडी ड्राइव जो है वो सीडी के लिए होता है। लेकिन डीवीडी राइटर की एक और खूबी ये है कि वो सीडी का भी डेटा राइट और रीड कर सकता है। अ सीडी कैन आल्सो बी यूज्ड इन डीवीडी राइटर। सीडी को हम डीवीडी राइटर में यूज कर सकते हैं, लेकिन डीवीडी को सीडी ड्राइव में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद मेमोरी कार्ड आपने यूज किया है मोबाइल्स के अंदर, ठीक है। तो
तो इज अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्यू गीगाबाइट्स। ये 16 GB का, 8 GB का, 4 GB का मिलता है। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। इसके साइज डिफरेंट, छोटे साइज में भी होते हैं, ठीक है, और बड़े साइज में भी होते हैं। बड़े साइज जो लैपटॉप्स में इस्तेमाल होते हैं, छोटे साइज में जो आपके मोबाइल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस बनी होते हैं जिसमें जैसे मर्जी यूज कर लें। ये जो डिजिटल कैमराज हैं, DSLR जो होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल होता है, ताकि आप जब पिक्चरिंग कर रहे होते हैं, तस्वीरें खींच रहे होते हैं, तो उसमें ये स्टोरेज उसकी हो रही होती है। मेमोरी कार्ड्स आर जनरली यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन एंड डिजिटल कैमरा आर स्टोरिंग पिक्चर्स ऑडियो एंड वीडियो। तो ये आपकी ऑडियो वीडियो को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूएसबी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। तो इज अ स्मॉल पोर्टेबल ड्राइव दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू यूएसबी पोर्ट। इसको यूएसबी पोर्ट के जरिए से लगाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूएसबी मेमोरी। इसको यूएसबी मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज वेरी फास्ट इन ऑपरेशन एंड इट्स स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 128 GB टिल नाउ। ठीक है, इससे भी ज्यादा, अगर 256 तक भी जा, 5 GB तक भी है, वो मेरे पास मौजूद है 256 GB की। तो यूएसबी आप लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर की जो यूएसबी पोर्ट होती है उसमें लगती है, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो पोर्ट होती है, इसी तरह इसमें भी एक पोर्ट होती है, यूएसबी पोर्ट, तो उसमें ये लग जाती है और ये इसकी ड्राइव जो है ना वो शो हो रही होती है माई कंप्यूटर के अंदर, या कंप्यूटर जब जो भी आपके सिस्टम का जो पैनल होता है उसके हिसाब से। ये CD ड्राइव है, ठीक है, या DVD ड्राइव है, तो इसमें CD ऐसे डालते हैं या DVD डालते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर ये इसके अंदर लेंसेज लगे होते हैं जो इसके इसको यहाँ से रीड करते हैं, ये इसके सर्कल ऐसे बने होते हैं, ठीक है, यूं से। तो डेटा इस फॉर्मेट में सेव होता है, ऐसे भी होता है बीच में कि ये सेक्टर्स बने होते हैं, ये एक सेक्टर कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें सेक्टर्स और ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटा कैसे रिट्रीव होता है, इसकी वर्किंग क्या है, ये फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके आपका सिलेबस शुरू होगा इसके बारे में। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पे इसको सर्च कर सकते हैं, अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये USB है, ठीक है, ये USB है, ठीक है, और ये आपका मेमोरी कार्ड है बड़े साइज में, ये मेमोरी कार्ड है छोटे साइज में। तो असाइनमेंट आपकी इसने देखनी है, तो वो आपने बताना है कि वाई हार्ड डिस्क इज कॉल्ड मैस स्टोरेज डिवाइस, वाई हार्ड डिस्क इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हाउ हार्ड डिस्क वर्क। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें ये लिंक होगा, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो इसकी जो वर्किंग है ना वो आपके सामने आ जाएगी। फिर आपने देखना है डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड SSD। तो ये होगा, इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, इसको लिंक को पढ़ना है, इसमें हार्ड डिस्क और SSD के दरमियान डिफरेंस बताया गया। सिंपल सिंपल सी बातें लिखी हुई उसमें कि हार्ड डिस्क कितनी बिजली कंज्यूम करती है, मसलन हार्ड डिस्क जो है वो 8 वोल्ट तक यूज कर सकती है, तो जो SSD है वो 4 वोल्ट तक आ जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड कम होती है, SSD की स्पीड ज्यादा होती है। हार्ड डिस्क का जो कैपेसिटी कम होती है स्टोरेज करने की, SSD की ज्यादा होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क जगह कम के ज्यादा घेरती है, SSD जगह कम घेरती है। हार्ड डिस्क जो है लगाने में आसान है, ठीक है, और इसको हार्ड डिस्क लगाने में भी आसान है, SSD भी लगाने में आसान है, लेकिन जो जिसका ज्यादा फायदा है, हार्ड डिस्क जल्दी हीटअप हो जाती है, SSD हीटअप नहीं होती। तो बहुत सारे डिफरेंस है, सिंपल सिंपल से है, आपने सिर्फ वो समझने, आपको पता चले। इससे क्या होगा कि जब आप बाजार में जाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, भाई हार्ड डिस्क कितने की मिल रही है, SSD इतने की मिल रही, कौन सी चीज लें, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे, आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे कि यार मुझे हार्ड डिस्क खरीदनी चाहिए, SSD। बजट बहुत ही कम है तो आप हार्ड डिस्क खरीद लें, बजट अच्छा है तो SSD खरीद लें, क्वालिटी देखनी है तो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह आप कोशिश करें व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस हो रही है, वो ज्वाइन करें, ठीक है। इसके अलावा कोई फायदा कोई नहीं है।